हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। इन आर टुडेज क्लास वी विल बी वेलकमिंग मेनी न्यू स्टूडेंट्स, राइट? बहुत सारे न्यू तो नहीं हैं, ओल्ड ही बट ज्वाइन अब हुए हैं आफ्टर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, राइट? सो लेट्स हैव एन इंडिविजुअल डिस्कशन विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हैव अ लुक एवरीवन। जो बच्चे आज की क्लास में पहली बार हैं, रिलैक्स्ड होके टेंशन फ्री होके सुनिए और समझिए। हम चैप्टर वन को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? चैप्टर वन में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पहले आपको बताते हैं बच्चा बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज बेसिकली एन एक्टिविटी जिसमें हम या तो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या बने बनाए गुड्स कहीं से परचेज करके आगे सेल करते हैं। क्या यहाँ पे किसी के फैमिली वालों का कोई बिजनेस है? रेज योर हैंड्स। किस किस के फैमिली मेंबर्स बिजनेस में एंगेज्ड है? दो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रेज देयर हैंड्स। ओके, पूजा के फैमिली का बिजनेस बहुत सारे बच्चों का है, वेरी गुड। अच्छा, कॉमर्स तो वही बच्चे लेते हैं ज्यादातर जिनके फैमिली बिजनेस होते हैं। तो ओके, वन बाय वन आई एम जस्ट रिसाइटिंग योर नेम्स। आप मुझे बताइए क्या बिजनेस है, क्या करते हैं? यस पूजा, लेट अस नो। हम जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है तो बेटा वो चीजें खुद बनाते हैं या बनी बनाई चीजें परचेज करके आगे रीसेल करते हैं? मैम बनी बनाई चीजें रीसेल करते हैं। जनरल स्टोर है तो वो बनी बनाई चीजें लेते हैं और रीसेल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बिजनेस की एक बात पता चली कि बिजनेस में जरूरी नहीं है दैट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द थिंग्स। हम बनी बनाई चीजें लेके आगे सेलिंग भी कर सकते हैं। चलिए राघव आप बताइए बेटा। मैम फादर मैम कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है यानी वो सर्विसेज में एंगेज है। तो बिजनेस में ये भी जरूरी नहीं है कि हम कुछ गुड्स बनाएं, हम सर्विसेज भी डील सर्विसेज में भी डीलिंग करते हैं। ओके गजल, यू टेल अस। मैम फर्नीचर शॉप। फर्नीचर शॉप है तो फर्नीचर बनाते हैं कि बना बनाया सेल करते हैं? बना बनाया प्रोक्योर करके सेल करते हैं? मैम दोनों। दोनों, ओके। मीन्स बिजनेस में साथ में दोनों चल सकते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। शुभांगी यू टेल अस। मैम पाइप टैंक एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सॉरी बेटा यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। कैन यू प्लीज रिपीट? मैम कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड तो वो भी सप्लाई कर रहे हैं बने बनाए, राइट? प्रोडक्शन नहीं कर रहे। अब मुझे बताइए किसी के फादर फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में एंगेज है क्या? रेस्ट ऑल कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। दो स्टूडेंट्स जिनके फैमिली मेंबर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं। कुमकुम, यस कुमकुम। मैम मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है और वो मैम इंडस्ट्री और के अंदर बनाते भी हैं। वेरी गुड, मोबाइल एसेसरीज की शॉप भी है यानी डीलिंग भी हो रही है और बना भी रहे हैं। हिमेश। मैम मेरे फादर कार्टन्स बॉक्सेस बनाते हैं। ओके, बनाते हैं यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट मींस अभी हमने जो छोटी छोटी चीजें सुनी उससे हमें क्या पता चला कि बिजनेस में सिर्फ चीजें सेल करना रिक्वायर्ड नहीं। आप चीजों को या तो खुद बना के सेल करेंगे या फिर आप बनी बनाई चीजें कहीं से परचेज करेंगे उसके बाद में सेलिंग करेंगे, राइट? ये आपने आपके क्लासमेट से ही सुना। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है वो सुनिए। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज और विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कम्स अंडर इंडस्ट्री। यहाँ जिसके भी फैमिली मेंबर्स खुद कुछ चीजें बना रहे हैं, खुद किसी फैक्ट्री में एंगेज है, वो इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ जैसे अभी मुझे बताया कि रिटेल आउटलेट है गजल के फादर का, तो वो कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपके माइंड में जो फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्लियर करना है वो ये दैट बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दिव्यांश के घर पे क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है या कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है? लेट अस नो। दिव्यांश, क्या हो गया बच्चा? अनम्यूट कीजिए। चलिए दिव्यांश इज नॉट एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ, नो इश्यूज।
तो बेसिकली आप सबको पता चला ना कि बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा या फिर क्या होगा, प्रोक्योरमेंट होगा, या तो कुछ गुड्स बन रहे होंगे या फिर बने बनाए गुड्स जो है उनकी डीलिंग हो रही होगी। जब गुड्स बन रहे हैं तो ये प्रोडक्शन है, और जब बने बनाए गुड्स की डीलिंग हो रही है तो ये प्रोक्योरमेंट है। प्रोडक्शन आएगा इंडस्ट्री के अंदर, प्रोक्योरमेंट आएगा कॉमर्स के अंदर। अब देखो बेटा, क्लास नाइन्थ से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज होती है थ्री टाइप्स की, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। यहीं पे ध्यान से सुन लीजिए, बस इसी चार्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री, द एरिया वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज द एरिया वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। इंडस्ट्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चरल वर्क से रिलेटेड होती है या एनिमल्स की रियरिंग और ब्रीडिंग से रिलेटेड होती है। डायरेक्ट काउ का मिल्क किसके घर पे आता है? एक तो होता है सप्लायर देते हैं, और एक होता है जिनके घर की बंदी है, घर पे गाय है, हम उनके घर से लेके आ रहे हैं। कौन? जिनके घर पे काउ है और वहीं वो मिल्क ऑब्टेन करके वहां से लेके आ रहे हैं। किसी के घर पे होता है ऐसा? ताजा दूध आसपास किसी के घर से आप लेके आ रहे हो, एकदम फ्रेश मिल्क, प्योर मिल्क? नहीं। शीप से वूल ऑब्टेन होते हुए देखा है क्या? आप सबको पता है शीप से वूल ऑब्टेन होता है। अच्छा, कीर्ति कुछ बताना चाहती है इसी से रिलेटेड। यस कीर्ति बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम वो मिल्क का ही बता रही थी। हाँ, तो आपके घर पे एकदम फ्रेश मिल्क आता है क्या? यस मैम। चलिए फिर तो आप बहुत हेल्दी होंगी। बेसिकली हम सबके घर पे जो मिल्क आता है वो प्रोसेसिंग होके आता है, बट अगर हम फ्रेश मिल्क की बात करें, कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से पूछे तो वो कहेगा ताजा दूध पियो, गाय का एकदम जो ताजा दूध होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। तो वो गाय से दूध ऑब्टेन करना इज द वर्क ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर कोल माइन से कोल निकाला जा रहा है, कोयले की खान से कोयला निकाला जा रहा है, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग सुनिए बहुत ध्यान से। प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर्स टू द इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचर। क्या बोला मैंने? मैंने बोला एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचर और विद रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की रियरिंग और ब्रीडिंग से रिलेटेड या नेचर से कुछ एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है, उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दोनों कैटेगरीज की। अब इसमें दो टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अभी समझते हैं एक्सट्रैक्टिव क्या होती है और जेनेटिक क्या होती है। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कौन सी होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? सुनिए, वो सभी इंडस्ट्रीज जो कुछ एक्सट्रैक्शन कर रही है नेचर से। एक्सट्रैक्शन किस तरीके का? मैंने कहा कोल माइन से कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो मीनिंग बहुत सिंपल सा है, द इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? उनको कह देते हैं हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड पार्ट आपका है जेनेटिक इंडस्ट्रीज का। कौन सी इंडस्ट्रीज? दो वर्ड याद रखने, द इंडस्ट्रीज रिलेटेड विद रियरिंग एंड ब्रीडिंग। रियरिंग एंड ब्रीडिंग किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्लांट्स की नर्सरी मैनेज हो रहा है तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री है। काउ से गोट से मिल्क ऑब्टेन हो रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं शीप से वूल ऑब्टेन किया जा रहा है तो जेनेटिक इंडस्ट्री है। तो बस प्राइमरी इंडस्ट्री वाला पोर्शन तो इतना ही पढ़ना है। प्राइमरी इंडस्ट्री के टू पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन इन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड इट्स टू पार्ट्स? जो बच्चे पहली बार आए हैं बेटा, शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। क्या आपको समझ में आ गया? ओके, दैट्स ग्रेट। कहीं भी कंफ्यूजन लगे यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से, इंडस्ट्री का सेकेंड फॉर्म होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्रीज? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। क्या होती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज? सुने ध्यान से, थोड़ा सा मैंने आपके लिए इसको जूम आउट कर दिया है। हैव अ लुक। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली द इंडस्ट्रीज
which uses the products produced by primary industries as raw material. Primary ne kuch banaya, us resource ko aap jab raw material ke form mein use karte hain, to aap aa jate hain secondary industry ki category mein. Aap mein se bahut sare logon ke ghar pe secondary industrial work hota hoga. Jaise ki sheep se wool obtain kar liya, ab uski finishing ho rahi hai, wo secondary industry mein hogi. कोल ऑब्टेन कर लिया, अब उससे अलग अलग रिसोर्सेज को बनाया जा रहा है, तो ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है. सेकेंडरी इंडस्ट्री टू टाइप्स की होती है. सेकेंडरी इंडस्ट्री का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है टू पार्ट्स में. कौन कौन से हैं वो टू पार्ट्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ ये सारी चीजें जो आप डेली यूज कर रहे हो ये बनती है. कौन सी सारी चीजें? आपके पास जो मोबाइल फोन है वो, आपके हाथ में जो बुक्स है वो, आपके पास जो एसेसरीज है बहुत सारी वो, आपका पीसी, आपकी वाटर बॉटल, आपके शूज, आपके क्लोथ्स, ये सारी चीजें जहां बनती है उस इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं. क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इसकी फोर पार्ट्स है जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. उसके बाद आता है बेटा जी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. कौन सी होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री? जहां कंस्ट्रक्शन होता है. जैसे आपका घर बनाया होगा किसी ने, तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है. किसी के फादर अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, रोड्स बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, ब्रिजेस बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनवा रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. हम कहते हैं ना घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट, सेकेंडरी का ही पार्ट है, सेकेंडरी का, नॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का एक की फीचर है, कौन बता रहा है भाई जिन्होंने पहले क्लासेस ली है? की फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, एनीवन इन द क्लास? मैम ये एड टू ट्रेड और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री सेम है? ये एड टू ट्रेड और नहीं नहीं नहीं, नहीं? चलो कोई बात नहीं, यू ट्राइड, इट्स गुड. यस करण. मैम हम ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो भी बनाते हैं वो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर नहीं कर सकते. बिल्कुल, वेरी गुड करण. द प्रोडक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एग्री करते हैं ना सभी बच्चे? एग्री करते हैं क्या मीर? कैन वी ट्रांसफर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो मैम. नो ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव आवर हाउसेस. हम शिफ्ट हो सकते हैं पर घर तो वहीं का वहीं रहेगा. तो ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि इसके प्रोडक्ट्स इमूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आ गया. अभी देखिए बेटा टर्शरी इंडस्ट्री. ऑल द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री कम्स अंडर द टर्शरी इंडस्ट्री. सपोर्टिंग सेक्टर है ये. सपोर्ट कौन कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन, बिना ट्रांसपोर्ट की कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर पाएगी. बैंकिंग फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा. इंश्योरेंस, हर बिजनेसमैन रिस्क फेस करता है, इंश्योरेंस आपने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ा है. एंड देन एडवर्टाइजिंग है ना. तो ये सारी वो चीजें जो सपोर्ट करेगी किसको? आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को. अब देखिए बेटा मैंने इंडस्ट्री वाला पोर्शन आपको बता दिया एक बार बुक से, क्योंकि काफी बच्चे न्यू है उनको इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है वो पूरा समझा देते हैं. देखिए सबसे पहले तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वैसे तो एक एरिया है, बट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात करूं तो इट इज द एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती है? देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एक्टिविटी ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है. प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग सब कुछ होगा. ठीक है, लिविंग स्पीसीज की रियरिंग और ब्रीडिंग भी होगी. आगे देखें बेटा बहुत ध्यान से सभी बच्चे, फिलअप्स आएंगे ना आपके एमसीक्यूज और फिलअप्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडस्ट्री? सो द मेन पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. चीजों की फॉर्म को कन्वर्ट कर देना. अगर एक वुड फॉरेस्ट में पड़ी है तो क्या आपके काम की है? हिमेश बेटा फॉरेस्ट में जो वुड है क्या वो आपके लिए यूजफुल है? यस मैम. फॉरेस्ट में अगर वुड अवेलेबल है तो क्या वो रॉ वुड आप यूज कर पाएंगे? यस मैम. हाउ मैम?
I can use it as a for fire. Okay, you can use it for fire or for and if you want a sofa in your home, can you convert the wood into a sofa set by yourself? No, ma'am. Then who will do it? Ma'am, those who do the work, like yes, those who are engaged in industrial activities, right? So the basic purpose of industry is to convert the raw materials into useful products for us. अभी बताया ना हमें क्लास में फर्नीचर की शॉप भी है एक स्टूडेंट के पेरेंट्स की, तो वो क्या करते हैं, वो वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे लिए यूजफुल बना देते हैं. फिर इंडस्ट्री टर्म कब यूज किया जाता है, ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रेफर अ ग्रुप ऑफ फर्म्स हु आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स. जैसे बीकानेर में जितनी भी फैक्ट्रीज में पापड़ और गुजिया मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन सभी फैक्ट्रीज के ग्रुप को बीकानेर की नमकीन इंडस्ट्री कहा जा सकता है. तो इंडस्ट्री की अलग अलग डेफिनेशंस हैं. तो इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दो तरीके के गुड्स बनाती है इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज बाय अस डायरेक्टली, हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे आपका पेन, आपकी बुक, आपका रजिस्टर, आपके इंटरनेट, ये आपका मोबाइल फोन, आपके कपड़े. और कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स जो यूज कर रहे हैं, पापा की फैक्ट्री में जो मशीन है वो कैपिटल गुड है. ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन होती है वो कैपिटल गुड्स होती है. तो इसके बारे में बता रखा है, सभी बच्चे रीड करके देखना, समझ आ जाएगा. प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, डेफिनेशन में यही लिखना है, इट इज कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज. दो काम होते हैं. फिर एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक बता दिया, किसी को कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी टुमारो. सेकेंडरी इंडस्ट्री वी हैव डिस्कस, व्हाट डज इट डू, इट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है. थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं, सीट बेल्ट बांध के रखना, क्लास में एक्टिव और अलर्ट रहना. ठीक है, कंज्यूमर, वही वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और टॉपिक मिस हो गया, तो टॉपिक मिस नहीं करना है, राइट, अलर्टनेस रखनी है. तो देखिए, टू टाइप्स ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सम आर कंज्यूमर गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर्स फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स, while other are industrial goods which are used by the producers for further production of consumer goods like machinery, raw materials, tools, etc. Now have a look. Manufacturing industries are of four types. ये part आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, याद करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको learning करनी पड़ेगी. ये वाला जो portion है ये आपको learn करना पड़ेगा. There are four types of manufacturing industry. चलिए वन बाय वन, जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो पहले से क्लासेस ले रहे हैं, समझा दीजिए बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल इंडस्ट्री? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री? यू हैव टू रीड एंड एक्सप्लेन, ओनली वन स्टूडेंट, वाई सो? बाकी बच्चों के सामने क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं आपकी, आपने सारी क्लासेस लिए फिर भी नहीं बता सकते. चलिए, यस हार्दिक गुप्ता, वेरी गुड बेटा. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Analytical industries are those industries, ma'am, which basically, ma'am, raw material ko break karke, ma'am, jaise different components banati hai. Jaise ma'am isme crude oil ka example diya, ma'am usse usko break, jaise ma'am nikalte hain usko apan, to wo ore mein ore ki form mein hota hai. To usko process karke, ma'am, petroleum, diesel, kerosene, ye tarike ke ma'am banate hain usme se products. Very good, beta. Perfect explanation. Analytical industry is basically an industry where a raw material is broken into different parts. Suniyega sabhi new students. Koi bhi aise industry jahan pe aapne ek raw material ko alag alag part mein toda aur usse naye naye product bana diye. Jaise ki petroleum, diesel, kerosene, sabhi crude oil se ban rahe. Chaliye. Now Kirti will explain the second part. Kirti ne aur Janvi ne bhi hand raise kiya hai. So Kirti, after Hardik Gupta, explain the second point.
मैम इन सिंथेटिक इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट. मैम इसका मतलब है कि अपन को दो और उससे ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसे सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं. बिल्कुल, वेरी गुड. जैसे भी हम दो या दो से, जैसे रेस्टोरेंट्स में ज्यादा चीजें मिक्स करके एक नया आइटम आपके लिए बना दिया जाता है, राइट, वैसे ही कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे अलग अलग चीजों को मिक्स करते हैं टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू. Such industries are treated as synthetic industries. These are the topics जो समझ easily आ जाएंगे, बस यहाँ पे आपको learning थोड़ी सी करनी पड़ेगी. Okay, now Janvi will explain the third part, processing industry. Processing industry. In processing industry, the raw material is produced through various stages of production and then finished good and manufactured. For example, textile industry, iron and steel industry, sugar industry. Ma'am, मैं कह रहा है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करके अलग अलग स्टेजेस से उसका प्रोडक्शन करके फिनिश गुड को मैन्युफैक्चर करा जाता है. जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को प्रोसेस करकर कॉटन का फैब्रिक मैन्युफैक्चर हो जाता है. वेरी गुड एवरीवन, हैव अ लुक. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री वेयर वन रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड सम फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. जैसे कि कॉटन को पहले थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे टेक्सटाइल बनता है और फिर उससे आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, राइट, टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ओके, करण गुप्ता विल एक्सप्लेन द लास्ट वन, असेंबली इंडस्ट्री. यस करण. करण की क्लास लीव हो गई है. यस गजल, वेरी गुड बेटा, एक्सप्लेन इट. व्हाट हैपेंड बेटा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? गजल बेटा अनम्यूट एंड स्पीक. ओके, आई गेस देयर इज सम ऑडियो प्रॉब्लम. चलिए, आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट. व्हाट इज असेंबली इंडस्ट्री? असेंबली इंडस्ट्री इज बेसिकली अ इंडस्ट्री where various finished products are combined to produce something new. This time you are not combining raw materials. This time you are combining various types of finished products in order to produce something new. Synthetic industry or process assembling industry mein yahi difference hai. Synthetic industry mein raw material ko mix kiya jata hai, jabki processing industry assembly industry में finished goods को assemble किया जाता है, ठीक है? Two or more than two finished goods will be assembled ताकि कुछ नया बनाया जा सके. जैसे कि अगर मैं कार की इंडस्ट्री की बात करूं तो कार में लगने वाला ग्लास अलग है, सीट अलग है, उसका फैब्रिक अलग है, सब चीजें अलग है, म्यूजिक प्लेयर अलग है, उनको कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना दिया गया है, राइट? आगे देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी. दीज आर कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा. इनका यूनिक फीचर एमसीक्यू में आएगा. द यूनिक फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट. इनके प्रोडक्ट को मार्केट में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, एक फिक्स जगह पे रहेंगे. देन कम्स द टर्शियरी इंडस्ट्री, द सर्विस सेक्टर. दीज आर द सर्विसेज विच आर हेल्पफुल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. These are the supporting industry. This is the supporting industry. These are the facilities which support the primary and secondary. Now I hope ये आप सभी को समझ आया होगा. बताएं भैया, new वाले बच्चे. गजेश बेटा कुछ समझ में आया? 10%, 20%. गजेश बेटा let me know. बोल के बताना पड़ेगा बेटा. आयुष what about you? आयुष, चलिए थम्स अप आ गया, इट मीन समझ में आ गया, वेरी गुड. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ये टॉपिक आप सबको समझ आया होगा, आज जरूर पढ़ के रखें इसको.